कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया है। महकमा सेहत ने एक और केस की तस्दीक कर दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया और महकमा सेहत सिंध ने एक और केस की तस्दीक कर दी है। अहम खबर है आपको बताएं कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया है और महकमा सेहत सिंध ने एक और केस की तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि इससे पहले जो है कराची में एक केस था कोरोना वायरस के हवाले से और अब खबर सामने आई है कि ये एक और केस जो है कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट हुआ है और मरीज की ईरान जाने की हालिया तारीख है। ऐसा कहना है महकमा सेहत का। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिए। बिल्कुल किरण, ये एक और कोरोना वायरस का केस सामने आया है जिसमें महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक भी की है। बताया ये गया है कि ये शख्स कोरोना वायरस से जो है मुश्तबा मरीज था, जो सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज था, लेकिन अब जो है 5 बजे इस केस की तस्दीक कर दी गई है। इस मरीज को जो है, इस मरीज की ईरान हिस्ट्री भी है कि इसने ईरान ट्रेवल किया था अपने अहलखाना और कुछ लोगों के हम, तो उन लोगों को भी चेक किया जा रहा है। उन तमाम लोगों को इससे अलहदा कर दिया गया है और मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस वक्त मरीज आइसोलेशन वार्ड में मौजूद है और इसके साथ जितने लोग मौजूद थे उन सबका जो है वो अलहदा अलहदा टेस्ट किया जा रहा है। इस तरह कराची का ये दूसरा केस सामने आ चुका है। जी ठीक है कामरान शेख, अपडेट कर रहे हैं आपका शुक्रिया। आपको बताएं कोरोना वायरस के हवाले से कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया है। महकमा सेहत सिंध ने एक और केस की तस्दीक कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने एक और केस की तस्दीक कर दी। मरीज हाल ही में ईरान से वापस लौटा है।